मार्क्स ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा है, ब्यूरोक्रेसी इज एन अपेलिंग पैरासिटिक बॉडी। पैरासिटिक मतलब क्या? चूसने वाला, जोंक। मार्क्स ने ब्यूरोक्रेट्स को जोंक कहा है क्योंकि ये समाज को चूसते हैं, जैसा उनका मालिक चाहता है ठीक उसी प्रकार। ठीक, आप देखो कितने सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सरकार की एकदम मतलब वफादारी या सरकार के बोल में बोल मिलाती है। क्यों? ताकि उनको अच्छा पद मिले, रिटायरमेंट के बाद भी वो गद्दी में बैठे रहें। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे याद हैं, वो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट लेने के लिए पहले ही रिटायर्ड हो चुके थे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर ही हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स के बारे में या ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या कहा मार्क्स ने? मार्क्स ने कहा कि ये जोंक हैं समाज के। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिस में। आज हम पढ़ेंगे व्यूज ऑफ मार्क्स, एंजल्स एंड वेब ऑन ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के बारे में मार्क्स, वेब और एंजल्स क्या सोचते हैं या उनकी क्या विचारधारा है। ब्यूरोक्रेसी की हिंदी होती है नौकरशाही। हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स किसे कहते हैं? जैसे IAS, IPS है ना, ये जो है IRS, IFS, ये लोग हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के तीन अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर में लोकसभा और राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव में प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और इनके साथ पुलिस और इनके साथ IAS, IPS, IFS, IRS, ये सभी लोग मिलके एग्जीक्यूटिव विंग बनाते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर और मुख्यमंत्री ये लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं। ये लोग कार्यपालिका हैं, कार्यपालिका का काम करते हैं, कानून को लागू करते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़रूरत है किसकी? नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की, मतलब IAS, IPS, इनकी बहुत ज़रूरत है इनको, नहीं तो ये किसी भी कानून को ड्राफ्ट ही नहीं कर पाएंगे। आप एक एग्जांपल ले लो, किसी भी कानून का अगर ड्राफ्ट बिल देखा जाए, जैसे मुस्लिम मैरिज का जो आया था ट्रिपल तलाक वाला, अगर उसका ड्राफ्ट बिल देखा जाए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसका ड्राफ्ट देखा जाए, तो क्या कोई मंत्री इतना पढ़ा लिखा है कि वो खुद बैठ के सारे ड्राफ्ट तैयार कर सकता है? कोई भी मंत्री इतना पढ़ा लिखा या जानकार नहीं है कि वो खुद बैठ के सारे जो ड्राफ्ट हैं, जो बिल हैं, उनको ड्राफ्ट कर सके। क्योंकि सारे मंत्री जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बस मंत्री के लिए तो क्या करना पड़ता है, इलेक्शन लड़ना पड़ता है, लेकिन इनको साथ में काम कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है, प्रशासनिक ऑफिसर की ज़रूरत है, प्रशासन को चलाने वाला कोई अफसर चाहिए। तो कौन होगा? एक IAS, IPS ही प्रशासक होते हैं। जैसे किसी इलाके में DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या SP, यही लोग जिले को चलाते हैं। अगर सरकार कोई कानून बना देती है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई कानून बन जाता है तो कानून लागू हो जाता है, लेकिन उसको असल मायने में लागू करता कौन है? उसको असल मायने में लागू करता है ये IAS और IPS मिलके, एक जिले के एक IPS के साथ एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिलके ही उस कानून को लागू करते हैं, तभी वो कानून कार्यरत होता है, एनफोर्स्ड होता है। अगर वो कानून को लागू ही नहीं किया जाएगा तो किसी काम का नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो मंत्री होते हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये लोग कानून बस बना के रख देते हैं, उसको लागू करने का काम एक एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, प्रशासक का होता है, जो IAS, IPS होते हैं। जो IAS होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं एक इलाके का, और जो IPS होते हैं वो SP या उसके ऊपर के पद तक पहुँचते हैं। तो ये दोनों साथ में मिलके ही किसी कानून को लागू करते हैं उस जिले में। तो ये जो IAS, IPS, IRS, IFS, ये लोगों को कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, और इसका नाम है ब्यूरोक्रेसी, जिसको हिंदी में कहते हैं नौकरशाही। तो बिना इनकी मदद से क्या कोई मंत्री कोई कानून लागू कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई?
इस नौकरशाही सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटर या ब्यूरोक्रेट्स वाली जो सिस्टम है, ये शुरू हुआ अंग्रेजों के ज़माने से भारत में, क्योंकि अंग्रेज जैसे गवर्नर है ना, वाइसरॉय, ये पद हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर उस वक्त एक पद हुआ करते थे, तो जो अंग्रेज होते थे वो उस पद पे बैठते थे। लेकिन भारत में अगर काम करना है, भारत के लोगों पे अगर शासन करना है, तो लोग यहीं के होने चाहिए। उस दौरान भी वो लोग भारतीयों को पुलिस में भर्ती करते थे, और जैसे आज आईएएस है वैसे ही आईएएस को प्रोड्यूस करना पड़ता था उस ज़माने में, तो वो लोग आईसीएस का एग्ज़ाम लेते थे, इंडियन सिविल सर्विस, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी पास किए थे। तो इनकी मदद से जो गवर्नर है या लेफ्टिनेंट गवर्नर है या वाइसरॉय है वो यहाँ बैठते थे, और ये आईएएस या आईसीएस कहें उस ज़माने में, तो इस आईसीएस की मदद से और उस वक्त के पुलिस ऑफिसर्स की मदद से ही वो अपना कोई कानून लाते थे, जैसे राउलेट एक्ट कह लें, या इंडिगो के लिए कह लें, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लागू करना कह लें, या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट कह लें। किसी भी कानून को आखिर बनाने वाला लागू नहीं कर सकता, इसीलिए प्रशासक की ज़रूरत है, क्योंकि प्रशासक ही उस कानून को लागू करता है समाज में। तो ये हैं ब्यूरोक्रेट्स, और इसे कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी। तो सेम मंत्री यहाँ है और ब्यूरोक्रेट्स यहाँ हैं, इनकी मदद से ही हर कानून समाज में लागू होता है और फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो चलें अब बात करते हैं कि आखिर मार्क्स, वेबर और एंजल्स ये क्या सोचते हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में। जैसे मार्क्स कहते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो नौकरशाही के अफसर्स हैं, ये महज एक कठपुतली हैं। किसके हाथों में? इन नेताओं के हाथों में। और नेता किसके हाथों की कठपुतली हैं? अमीरों के हाथों में। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये जो ऑफिसर्स हैं वो अमीरों के हाथों की कठपुतली होते हैं। वो जैसे नचाते हैं, इनको वैसे ही नाचना पड़ता है, और मात्र एक एक्सप्लॉयटेशन का माध्यम है ये, और कुछ नहीं। आप सपोज करो कहीं एक भीड़ जुटी हुई है जहां बहुत अनशन चल रहा है, या एक मिल मालिक का प्रदर्शन चल रहा है, उसका विरोध चल रहा है, और लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं, ठीक 500 लोग हैं। तो जब भी वहां का एसपी आता है, आईएएस आता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हैं, तो वो किसको शांत कराते हैं? वो यहाँ फैसला नहीं कराते हैं, यहाँ मजदूरों को शांत कराते हैं और उनके घर भगा दिया जाता है। कहा जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि आपके साथ न्याय होगा, न्याय किया जाएगा, लेकिन वो अगले दिन। लेकिन यहाँ पे किसको बचाया जा रहा है? इन कैपिटलिस्ट को बचाया जा रहा है। तो मार्क्स कहते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है अंग्रेजों ने या किसी भी देश में जो ये शुरू किया गया था, वो सिर्फ इसलिए ताकि नीचे तबके को दबाया और डराया जाए, ताकि जो बुर्जुआसी है, रिच पीपल, बुर्जुआसी मतलब रिच पीपल जो हैं, वो आराम से अपनी शासन गद्दी और दिनों दिन तक चलाते रहें, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। जैसे कभी भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ जो पुलिस फोर्स होती है वो हमेशा हैव नॉट्स के अगेंस्ट होती है। मतलब मार्क्स ने कहा था दो लोग होते हैं समाज में, हैव्स और हैव नॉट्स, एक के पास सब है, एक के पास कुछ नहीं। इनको अलग शब्दों में कहें तो बुर्जुआसी और प्रोलेटेरियत, मतलब रिच पीपल और पुअर पीपल। मार्क्स का कहना है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो अफसर हैं, ये सिर्फ अमीरों के या ऊंचे वर्गों के हाथ की महज कठपुतली हैं, ताकि निचले वर्ग के लोगों पे शासन किया जाए या उनका शोषण किया जाए। मार्क्स ने कभी भी ब्यूरोक्रेसी को एक यूनिफॉर्म रूप में या फॉर्मल रूप में डिफाइन नहीं किया। उन्होंने ऐसा बताया है कि ये बस एक इंस्ट्रूमेंट है, ब्यूरोक्रेसी एक इंस्ट्रूमेंट है बड़े लोगों के हाथ में, ताकि गरीबों का शोषण किया जाए, और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को ऐसे ही दिखाया है। जैसे अगर आज कहीं सलमान खान, अक्षय कुमार आ जाए, तो उनके सपोर्ट में वहाँ के एसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आ जाएंगे, क्योंकि वो सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं, सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं सरकार को। तो सरकार किसको बचाएगी? उनको बचाएगी। अगर झमेला हो जाता है तो सरकार उनको बचाती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। तो राज्य या सरकार हमेशा अपने अमीर लोगों को बचाता है, और उनको बचाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स की मदद लेता है। जैसे जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज हम पे शासन करते थे,
किसके मदद से? इन आईसीएस या पुलिस अफसरों की मदद से। ये जो आईसीएस या इंडियन सिविल सर्विस जो लोग थे, आखिर ये सब इंडियन थे, इनकी मदद से ही हमारे ऊपर शासन किया जाता था, हमारे धन दौलत छीन लिए जाते थे, हमसे ज़्यादा टैक्स पे करवाया जाता था, सब हमें हमसे वसूला जाता था। अगर ये ब्यूरोक्रेट्स वैसा परफॉर्म ना करें तो क्या किया जाएगा? तो इनका जो सैलरी होगा उसे रोक दिया जाएगा, इनका ट्रांसफ़र किया जाएगा, इनको पूरी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। इसीलिए बाध्य होके इस स्ट्रेटा को, इस ब्यूरोक्रेट्स के स्ट्रेटा को, इन मंत्रियों की बात सुननी पड़ती है और जो कानून यहाँ से पास होके आता है इन ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ लागू करना पड़ता है समाज में। क्योंकि नहीं करेंगे तो सैलरी देने का काम यही कर रहा है, और अगर नहीं करेंगे तो रोक देगा। जैसे एक आईएएस हैं जिनका नाम है गोपीनाथन। गोपीनाथन एक आईएएस थे, लेकिन 2018-19 के समय जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया था, आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, तब गोपीनाथन ने इसका काफ़ी विरोध किया, लेकिन सरकार उनकी बात सुनी नहीं, तो अल्टीमेटली उनको रिज़ाइन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि नहीं करेंगे तो आपको सरकार के साथ ही काम करना है, और सरकार जो बोलेगी आपको वही करना है। क्योंकि एक डिपार्टमेंट में मंत्री बड़ा होता है, आईएएस बड़ा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये मंत्री जो चाहे वो इन आईएएस के जरिए करवा सकता है समाज में। मार्क्स ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा है, ब्यूरोक्रेसी इज एन अपेलिंग पैरासिटिक बॉडी। पैरासिटिक मतलब क्या? चूसने वाला, जोंक। मार्क्स ने ब्यूरोक्रेट्स को जोंक कहा है क्योंकि ये समाज को चूसते हैं, जैसा उनका मालिक चाहता है ठीक उसी प्रकार। ठीक, आप देखो कितने सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सरकार की एकदम मतलब वफादारी या सरकार के बोल में बोल मिलाती है। क्यों? ताकि उनको अच्छा पद मिले, रिटायरमेंट के बाद भी वो गद्दी में बैठे रहें। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे याद हैं, वो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट लेने के लिए पहले ही रिटायर्ड हो चुके थे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर ही हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स के बारे में या ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या कहा मार्क्स ने? मार्क्स ने कहा कि ये जोंक हैं समाज के। ही ऑल्सो कॉल्स इट ड्रेडफुल पैरासिटिक सब्सटेंस। दिस फ्रेजेज आर नॉट सिंबल्स ऑफ यूलॉजी। ही वेमेंटली अपोज द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऑफ ऑल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ हिज टाइम। ही न्यू दैट ब्यूरोक्रेसी इज नो डाउट एन इफिशियंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बट इट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट टॉर्चर्स एंड एक्सप्लॉइट्स वर्किंग क्लास। मार्क्स भी इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि ब्यूरोक्रेट चाहिए ही, नहीं तो समाज में आखिर उन कानूनों को लागू कौन करेगा, है ना? अगर कोई कानून को तोड़ेगा तो उन्हें अरेस्ट कौन करेगा, उन्हें पकड़ के जुडिशियरी तक पहुंचाएगा कौन? इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मार्क्स ये भी कहते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितना वर्किंग क्लास की मदद नहीं करते हैं, जितने गरीब लोगों की मदद नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा अमीर लोगों की मदद करते हैं। ये जितना सहायक नहीं होते उतना जोक बन के काम करते हैं समाज के लिए, क्योंकि ये वेलफेयर के हिसाब से नहीं, कैपिटलिस्ट के हिसाब से काम करते हैं। मार्क्स ने इसके साथ ये भी कहा कि ब्यूरोक्रेट्स का काम ये नहीं है कि वो न्यूट्रल बने रहें। अगर उन्हें किसी चीज़ में प्रॉब्लम दिखाई देती है, सिस्टम के बदलावों में या सरकार के नियमों में, नीतियों में प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि बड़े से बड़ा सिविल सर्वेंट भी सरकार के बोल से बोल मिला ही लेता है, और अगर वो बोल नहीं मिलाएगा तो उसको ट्रांसफ़र फेस करना पड़ेगा। लगभग किसी एक सिविल सर्वेंट के साथ 9 बार ट्रांसफ़र फेस करना पड़ा, 9 बार। या तो तभी हो सकता है, या तो वो बहुत करप्ट था, या तो बहुत ईमानदार था, या एक बात तो साबित होती है कि वो सरकार के खिलाफ था। क्योंकि जब भी मंत्रियों को उनके पसंद का ब्यूरोक्रेट्स नहीं मिलता है, उनके पसंद का आईएएस आईपीएस नहीं मिलते हैं, तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी और ज़िले में, ताकि अपने मन मुताबिक काम किया जाए। क्योंकि यहाँ से हम कह के कहते हैं कुछ और करने के लिए, और वो करता है कुछ और, इससे तालमेल नहीं बैठ पाता है मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स का। इसीलिए मंत्रियों के हाथ में होता है ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। सिर्फ मार्क्स ही ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नहीं थे या ब्यूरोक्रेसी के
पूरा उल्टा ओपिनियन नहीं है। इनके अलावा लेनिन का भी कुछ ओपिनियन ऐसा ही था। लेनिन ने कहा, लेनिन बिलीव दैट ब्यूरोक्रेसी वॉज अ मशीन यूज्ड बाय द बुर्जुआसी टू एक्सप्लॉयट द कॉमन पीपल, पर्टिकुलरली द वर्किंग क्लास। सिर्फ और सिर्फ किसको शोषण करने के लिए? वर्किंग क्लास को। आप सपोज करो, जो रास्ते में जो ठेला लगाते हैं, जो बैठ के हाट में अपना सामान बेचते हैं, आप देखे होंगे कि पुलिस वाले कैसे फटाक से आते हैं और लात मार के उड़ा देते हैं, खींच के भगा देते हैं। लेकिन कभी आप देखे हो कि बड़े से रेस्टोरेंट वाला जो होता है, सामने अपने आने जाने वाले सामने रास्ते को गार्ड करके बैठा है, वहाँ अपना बिरयानी का टैंकर लगा के रखा है, टेबल लगा के रखा है, लेकिन क्या वो उधर का पुलिस ऑफिसर एक बार भी उसको हटाने की कोशिश करता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वहीं अगर कोई छोटा सा चाय वाला, पकौड़ी वाला बैठा है तो उसको फटाफट भगा दिया जाता है, लेकिन इस बड़े रेस्टोरेंट वाले को नहीं किया जाता है। क्योंकि रेस्टोरेंट का भी तो भैया दायरा है, जितने दूर तक तुम्हारा दुकान है उतना ही तुम्हारा है, लेकिन वो पूरा रास्ता अपना समझता है और अपना बिरयानी का ठेला, बिरयानी का डब्बा या बड़ा ट्रंक है ना, टेबल लगा देता है लोगों के बैठने के लिए और पूरा रास्ता एक्वायर कर लेता है। लेकिन आप कभी भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं देखे होंगे। ये महज एक एग्जाम्पल है कि कैसे पुलिस सिस्टम या ब्यूरोक्रेसी कैसे अमीरों का साथ देती है और गरीबों का एक तरह से शोषण करती है, भले वो इनडायरेक्ट रूप में हो। ये विचार था ब्यूरोक्रेसी के बारे में, मार्क्स का, लेनिन का, वेबर का, एंजल्स का। और इसके बारे में उन्होंने, मार्क्स ने अपने बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में भी लिखा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।